हेलो मॉडर्न किड्स, होप यू ऑल आर गुड एंड एंजॉइंग योर स्टडी एट होम विथ योर पेरेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन। ऐसे तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता है, 2 डिजिट 3 डिजिट सारे मल्टीप्लिकेशन आते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट एस्टिमेटेड मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करना है टू द नियरेस्ट 10। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है आप जो कि देख पा रहे होंगे और वो है मल्टीप्लिकेंड। तो स्टूडेंट ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेंड। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल लिखा होता कि मल्टीप्लिकेशन टू द नियरेस्ट 10, तो आप दोनों ही नंबर का क्या करते, यहाँ पर नियरेस्ट 10 आप राउंड ऑफ फाइंड करते नियरेस्ट 10 दोनों ही नंबर का। लेकिन यहाँ पर राइट है मल्टीप्लिकेंड, तो आप क्या करेंगे, बस इस आगे वाले नंबर का ही राउंड ऑफ फाइंड करेंगे। अगर ये मल्टीप्लिकेंड वर्ड नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, इस नंबर का भी राउंड ऑफ फाइंड करते हैं और इस नंबर का भी राउंड ऑफ फाइंड करना पड़ता। लेकिन इस वर्ड के राइट होने की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का ही क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्ड मल्टीप्लिकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ 33 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 फाइंड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे 33 का राउंड ऑफ फाइंड करके दिखाइए, 33 का राउंड ऑफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 33 का जो राउंड ऑफ आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 क्यों आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 33 में लास्ट नंबर क्या है, 3 है, और ये 0 से क्या है, सॉरी ये 5 से क्या है, छोटा है, और जो नंबर 5 से छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, तो हम उनके प्लेस पर 0 लिखते हैं और आगे वाले नंबर को सक्सेस लिखते हैं। तो इस तरह से 33 का जो राउंड ऑफ हो गया वो आ जाता है 30, और आपने यहाँ पे 30 लिख दिया, और इसका तो राउंड ऑफ फाइंड करना नहीं है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो आपने 0 की 3 की टेबल काउंट की 0 टाइम, तो क्या आ गया, 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो नंबर 0 आता है। तो इसलिए आपने 3 की टेबल 0 टाइम काउंट की, देन 0 आ गया। अब इस 3 की टेबल 3 टाइम काउंट करेंगे, देन 9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो गया वो क्या आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा 90, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट हम लोग की सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेम वर्क है, क्योंकि यहाँ पर क्या राइट था, मल्टीप्लिकेंड वर्ड था, इसलिए हम लोग सिर्फ आगे वाले नंबर का राउंड ऑफ फाइंड करेंगे नियरेस्ट 10। तो आप देख सकते हैं कि 97 के लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसलिए क्या करेगा, आगे वाले नंबर में 1 ऐड करेगा और पीछे वाले नंबर के प्लेस पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और राउंड ऑफ इसका 100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को राइट कर देंगे, और 5 का राउंड ऑफ तो हमें फाइंड करना नहीं है। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स अब आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 500 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0 आ गया, अगेन 5 से 0 में किया तो फिर से 0 आ गया, और 5 से 1 में मल्टीप्लाई किया, देन 1 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको सेम वर्क करना है। आप यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का राउंड ऑफ फाइंड करेंगे नियरेस्ट 10। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं 446 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। तो हम लोग राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 फाइंड करने के लिए लास्ट वैल्यू चेक करते हैं, ये क्या है, 6। तो आगे वाले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। अगर लास्ट नंबर 5 के इक्वल आता है या फिर 5 से बड़ा होता है तो आगे वाले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। तो इस तरह से जो इसका राउंड ऑफ आएगा वो क्या हो जाएगा, 450। और जिसको चेक करते हैं उसके प्लेस पर क्या लिखते हैं, 0। तो इस तरह से जो आपका राउंड ऑफ हो गया वो क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे राइट कर दिया, और इस 5 का राउंड ऑफ हमें फाइंड नहीं करना है क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेंड वर्ड लिखा हुआ था। अब आप 450 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपने देख लिया 5 की टेबल अगर हमने 0 टाइम काउंट की, देन यहाँ 0 आ गया, 5 की टेबल 5 टाइम काउंट की, तो 25 का हमने 5 यहाँ लिखा, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अगेन 5 की टेबल 4 टाइम 5 जा 20, और प्लस 2 कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 22। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो होप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। अब हम लोग प्रॉब्लम बी भी देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। यहाँ पर आपको जो मल्टीप्लीकेशन करना है टू द नियरेस्ट 10,
ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट वर्ड नहीं लिखा है। अगर आपकी बुक में, आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेंट वर्ड लिखा होगा, देन आप क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर का राउंड ऑफ फाइंड करेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेंट वर्ड नहीं है तो आपको दोनों ही नंबर का क्या करना होगा, राउंड ऑफ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही नंबर का क्या करना है, राउंड ऑफ फाइंड करना है। तो जैसे आपका फर्स्ट नंबर है 44 और सेकेंड नंबर है 25, तो 44 का राउंड ऑफ जब आप फाइंड करेंगे और वो भी नियरेस्ट 10, तो क्या आ जाएगा उसका राउंड ऑफ 40 आ जाएगा। और 25 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 क्या आता है, 30। और अब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का एक नया तरीका सिखाती हूँ मैं आपको। अगर दोनों ही नंबर के पीछे जीरो हो तब ये रूल फॉलो होगा। जैसे 40 के पीछे जीरो है और 30 के पीछे भी एक जीरो है, तो यहाँ पर आप दोनों ही जीरो राइट कर लेंगे, फिर बचे हुए आगे के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3, 4 या 12, और आपने यहाँ पर 12 राइट कर दिया। फिर से बता दूँ, आप इन दोनों नंबर के जीरो को क्या करेंगे, सच एस राइट करेंगे, फिर आगे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा आप यहाँ पर राइट करेंगे और वो आंसर हो जाएगा। आया समझ में सारे स्टूडेंट को? चलिए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेंट वर्ड नहीं है तो आपको दोनों ही नंबर का राउंड ऑफ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है और ये लास्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 317 और ये 523। 317 को मल्टीप्लाई करना है 523 से, तो आप सेम वर्क करेंगे, पहले आप इनका राउंड ऑफ फाइंड करेंगे। तो 317 का राउंड ऑफ कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट नंबर चेक करेंगे, तो लास्ट में क्या है 7, तो आगे वाले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा, और जिसको चेक करते हैं उसके प्लेस पर 0 लिखते हैं। तो इस तरह से जो आपको नंबर फाइंड हुआ वो क्या हो गया, 320 फाइंड हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 523 का राउंड ऑफ फाइंड करेंगे, सेम वर्क, लास्ट वैल्यू को चेक करेंगे, अगर लास्ट वैल्यू 5 से छोटी है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और आगे वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो आपका जो 523 का राउंड ऑफ हो जाएगा 520, और 317 का राउंड ऑफ क्या हो गया, 320, ठीक है। तो अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, इसलिए मैं मल्टीप्लिकेशन को बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ओके स्टूडेंट। तो चलिए अब मैं आपको कुछ वर्क बता देती हूँ। क्लास थर्ड के स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ओनली प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करनी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट वर्ड लिखा हुआ है, मीन्स आप सिर्फ क्या करेंगे, आगे वाले नंबर का ही राउंड ऑफ फाइंड करेंगे, ओके।